CSAP राउंड यार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और लाखों बच्चे, लाखों घरों का उजाला अपने घरों के अंधकार में बैठे हैं कि यार अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब क्या ऑप्शन है, कौन सा कॉलेज, डिग्री, यूनिवर्सिटी, कोर्सेस। अगर आज मैं बात करूं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हजारों बच्चों ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं भैया कहाँ पर लें, कैसे कॉलेज लें, क्या सारा प्रोसेस है, लेकिन चाहिए उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हाँ जी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, पर कैसे। वेल यार इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम आपका डायरेक्टली अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन कैसे करा सकते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं यार, बात करते हैं कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों की जो काफी लो मार्क्स पे आपका काफी अच्छी ब्रांचों में एडमिशन दे देते हैं आपको। सो आज यार हम बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे कॉलेजेस, ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो आपको हजारों लाखों रैंक पर CSE, IT, इंफॉर्मेशन, एविएशन एंड ऐसे लोट ऑफ कोर्सेज दे रही होगी। सो यार शुरू से शुरुआत करते हैं, स्टेट वाइज हम चलेंगे, स्टेट वाइज बात करेंगे। पहले बात करेंगे पंजाब की, भैया पंजाब में क्या ऑप्शन है। वैसे मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस के अंदर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है आज इंडिया में, चाहे वो IIT हो, चाहे वो NIT हो, चाहे वो GFTI हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेज हो। ऑलमोस्ट 1 से लेकर 10 अगस्त तक सभी कैंपसेस, सभी कॉलेजेस, सभी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने अपनी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। इसलिए आप अगर अभी भी वेट कर रहे हो देन आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। पंजाब की अगर यार बात करूं तो वैसे तो लोट ऑफ पंजाबी स्टूडेंट्स तो कनाडा जा रहे हैं, उधर के कॉलेजेस में सीटें वैकेंट ही रहती है। कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करेंगे, जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है IK गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। मेजोरिटी ऑफ द पंजाब के कॉलेजेस जितने भी है वो सारे के सारे इसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलेटेड है। इसका जो मेन कैंपस है IK गुजराल कपूरथला के अंदर, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ में उसका जो प्लेसमेंट है वो भी काफी अच्छा होता है। वैसे जो एफिलेट कैंपस है प्राइवेट में बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जो खुद के जो कैंपस है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपस बोलते हैं, जैसा की होशियारपुर में है, इसका मेन कैंपस कपूरथला जलंधर में है, अमृतसर के अंदर आपको मिल जाएगा, इसके 2 कैंपसेस मोहाली के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, Phase 1 and Phase 2। उसके बाद में यार हमारा एक कॉलेज आता है जिसका नाम है ज्ञानी जेल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब के बठिंडा शहर के अंदर चलता हुआ एक कॉलेज। वैसे ज्ञानी जेल सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऑलमोस्ट काफी पुराना कॉलेज है, 19th century का, काफी सालों से ये कॉलेज चलता आ रहा है, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो संत लोंगवाल जो कि जोसा में पार्टिसिपेट करता है, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रुप है बाबा, वो जो चंडीगढ़ वाले की बात नहीं कर रहा, अदर ग्रुप भी है एक, ठीक है, जेक चंडीगढ़ के अंदर भी आता है। वैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेज काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेज है। उसके बाद में आपको आता है गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज अमृतसर, दिस इज वेल वेरी गुड प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी काफी अच्छा हाई प्लेसमेंट जाता है उसका। खालसा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज आप लोगों के लिए हो सकता है। इसके साथ में यार प्राइवेट कॉलेज आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसा कि चित्कार हो गया, थाफर हो गया, LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड ऐसे बहुत सारे लो टॉप ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं यार हम अगर जम्मू की तरफ जाएं उधर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, CU कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उसके बाद में आपके बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में जैसा कि बाबा गुलाम साहेब बादशाह यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। वैसे मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस जोसा CSAB में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके मेजोरिटी एडमिशंस स्पोर्ट राउंड के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। थोड़ा यार पहले कॉलेज जानकारी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हमारे पास मेजोरिटी में बहुत सारे कॉल्स आते हैं पर डे स्टूडेंट्स के एंड पेरेंट्स के, एंड हम बच्चों को 100% अलॉटमेंट दिलाते हैं स्पेशली इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसके लिए जो है हम कुछ नॉमिनल चार्ज करते हैं। इसके साथ में हमारा गाइडेंस प्लान भी चलता है जिसके अंदर हम आपको ये बताते हैं कि भैया तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से इस स्टेट में तुम्हारे लिए कॉलेज है, इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है, इसके एडमिशन का प्रोसेस ये है, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये है, एडमिशन डिपार्टमेंट ये है, ये ईमेल आईडी है, ये तुम्हारा रास्ता होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। बाद में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जो है कॉलेज को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। उसको बोलते हैं गाइडेंस प्लान, जिसके अंदर आपको रोड मैप दिखा दिया जाता है पूरा, और सड़क के ऊपर
आपको चलना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सड़क पे ही कौन चल रहे, रोड में कौन देखे, आप कोई बात नहीं, उसके लिए हमारा प्रो प्लान चलता है। आप बस इतना करो, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो एंड आपके लिए जो भी बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है वो हम आपके लिए अलॉट करवाते हैं 100% अलॉटमेंट। अब हमारी तरफ से जो भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए मिल रहा होता है वो हम आपको दिलाते हैं, लेकिन टिल लास्ट राउंड तक हम आपको दिलाते हैं। जो भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है या जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल रहता है आपको अगर अच्छा लगता है देन आपको दिला दिया जाता है। अगर भैया हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम तो अपने हिसाब से किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे, देन उस कंडीशन में आपका 100% रिफंड जो है हमारी टीम की तरफ से कर दिया जाता है। आप वैसे बहुत सारे बच्चों के लोटॉप सवाल भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लल्लू लाल चमनी चोर काउंसलर हैं जो कि बच्चों से 5,000 5,000 रुपए, ठीक है, समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ले लेते हैं और कोई रेस्पॉन्स नहीं करते। हाँ बच्चे करवाते हैं, हाँ हाँ इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अभी स्पोर्ट राउंड बाकी है, और टिल लास्ट राउंड तक आपका मोबाइल नंबर जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स बच्चों के आ रहे हैं, मेजोरिटी बड़े बड़े चैनल्स जिनके 85,000 के आसपास सब्सक्राइबर भी होते हैं, और ऐसे लोग ऐसे ऐसे कर्म कांड करते हैं जो कि आप लोगों को पता होगा। एंड आजकल बहुत सारे चमनी लाल चमन चोर जो है सिर्फ 699 रुपए लेके 500 रुपए लेके आपका टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं और आपको प्रेफरेंस लिस्ट सेंड करते हैं और आपके डाउट जो है जूम पर सोल्व कर रहे होते हैं। यार एक्चुअल में क्या ऐसा पॉसिबल है? आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, घर वालों के बहुत सारे सवाल होते हैं, मम्मा के बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी बच्ची को अपने बच्चे को शहर से बाहर दूसरे स्टेट में भेज रहा होता है, देन उनको बहुत कुछ जानना रहता है, भैया नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना पैसा, लोन रिक्वायरमेंट, लोन प्रोसेस, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हॉस्टल कैसा रहेगा, पूरा बहुत सारे सवाल रहते हैं उनके, लेकिन बताएगा कौन उनको? हाँ आपके चमन लाल काउंसलर तो आपसे बस पैसा ले लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपके पेरेंट्स के कोई भी आंसर नहीं देता सवालों के, भैया बहुत सारे लोटो पेरेंट्स के इतने ज्यादा क्रेजी सवाल होते हैं कि भैया हम गरीब परिवार से हैं, 4-5 लाख का जुगाड़ कर रहे हैं, 4-5 साल तक ये 4-5 लाख कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, कितना स्कोप है, नौकरी कहाँ पर लगेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर, ऐसे लोटो बहुत सारे सवाल होते हैं। खैर यार इन सबका सोल्यूशन तो हम आपके लिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन मुद्दा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस। हां इंजीनियरिंग के अंदर हमने जम्मू जैसे शहर देख लिए, ठीक है, एंड उसके बाद हम राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में ऑलमोस्ट रीप की काउंसलिंग एंड हो चुकी है, वहां पे भी कुछ अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, आरटीयू कोटा, सीटी उदयपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। हाँ उसके बाद में कुछ और प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, जैसा कि जेईसीआरसी फाउंडेशन काफी अच्छा प्राइवेट कॉलेज माना जाता है, आर्या कॉलेज हो गया, पूर्णिमा कॉलेज हो गया, ऐसे मतलब टिकटा कॉलेज देखे जाते हैं। उसके बाद में यार लो टॉप कॉलेजेस आपके जो रहते हैं वो रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। हाँ जी आज 500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज देश में अगर कहीं है तो वह महाराष्ट्र के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द सीटें महाराष्ट्र में ही फील होती है बच्चों की, ठीक है, वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर दो, उससे ऑलमोस्ट कॉलेजेस अफिलेटेड है। उसके बाद में यार हमारा आता है यूपी, हाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं, जैसा कि HBTU कानपुर जहाँ पे स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी चल रहा है, MMUT गोरखपुर, हाँ जी वैसे ये जो AKTU के अंदर पार्टिसिपेट करता है, AKTU की काउंसलिंग के अंदर, BIT देवगढ़ आपने सुना होगा, BIT पटना हो गया, BIT जयपुर हो गया, वैसे आजकल ये GFTI बन चुके हैं। हाँ जी ये बेसिकली जो है जोसा CSAB के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लेकिन क्या होता है इनके पास, अब ये डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, स्पोर्ट राउंड के थ्रू भी लेते हैं, क्योंकि वहां पे इनकी सारी की सारी सीटें फिल नहीं होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी यार आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में और कौन कौन से कॉलेज आते हैं भैया अब यूपी के अंदर, आप AKTU को पकड़ लो, AKTU के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आपने MMUT देखा होगा, मदन मोहन मालवीय जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट जिसको डिम्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, वो भी मतलब ठीक ठाक ऑप्शन आपको रायबरेली के
अंदर देखने को मिल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट NCR के अंदर आपको काफी चीजें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में यार आप लोगों के लिए ऑप्शन हरियाणा के अंदर भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, जिसका स्पोर्ट राउंड अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर एक काफी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में WIT देहरादून, अब वैसे पंजाब के ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिए। कुछ GFTI डिस्कस कर लेते हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा हो गया, हाँ IIT नया रायपुर, ठीक है, यह भी लास्ट राउंड अभी आई थिंक इसका स्पोर्ट राउंड स्टार्टेड है, ठीक है। IIIT नागपुर भी आई थिंक ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के पास। असम यूनिवर्सिटी सिलचर आपको काफी लो मार्क्स पे देखने को मिल जाते हैं। GGU बिलासपुर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है 21 से ऑलमोस्ट। उसके बाद में आपका जो निपटम है सोनीपत वाला आई थिंक, ठीक है। उसके बाद में आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे GFTI है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है इनको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। उसके बाद में आपका गानी खान आपने सुना होगा, GKV हरिद्वार वाला, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है, अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो एविएशन सेक्टर में, भैया ये एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मिसाइल, ये सैटेलाइट, चांद, आसमान, इसके लिए यार एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, दिस नेम इज PSAEC, दिस इज सिचुएटेड इन पटियाला पंजाब। आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। 2018 के अंदर नया कैंपस स्टार्ट हुआ, अभी तक 2 बैचेस चले गए हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो। वैसे एरोस्पेस के और देश में इंस्टीट्यूट नहीं है, बेसिकली बहुत कम इंस्टीट्यूट है, 5 IIT है, 2 ही आपको GFTI देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक IIST सिंहपुर है। उसके बाद में कुछ एरोनॉटिकल के गवर्नमेंट कॉलेज एंड तेलंगाना साइड, उधर की साइड देखने को मिलते हैं, और आपको प्राइवेट कॉलेज में कुछ ऑप्शन दिखते हैं, और कहीं भी आपको एरोस्पेस एरोनॉटिकल नहीं दिखता है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर इस कैंपस को स्टार्ट किया था इन द कोलेब्रेशन ऑफ MRSPTU बठिंडा, तो आप इसके बारे में डिटेल चेकआउट कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगता है आप देख सकते हैं इसके बारे में, और आप हमारी पेड काउंसलिंग में जरूर से इनरोल कर सकते हैं। टिल लास्ट राउंड तक हम आपको एक अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशली इन CSE ब्रांच अलॉट करा के देते हैं, चाहे आपकी रैंक 0 हो, 12th पास हो या 50 लाख हो, डोंट वरी। और भी कोई सवाल हो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।